बाड़मेर में दिल दहला देने वाली वारदात, मूक बधिर युवती के साथ गैंग, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। हिंदुस्तान में बेटियां कब होंगी महफूज, बेटियों और महिलाओं पर अत्याचार और दमन का चक्र बदस्तूर जारी है। राजस्थान में तो महिलाएं कुछ ज्यादा ही असुरक्षित हैं, यहां महिलाओं पर अत्याचार की बाढ़ आ गई। घटना राजस्थान के बाड़मेर जिले की है, जहां 20 साल की मूक बधिर युवती के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवती खेत में बकरियां चरा रही थी, इस दौरान बोलेरो सवार बदमाश आए और लड़की से दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद लड़की को झाड़ी में फेंक दिया। युवती जब घर नहीं लौटी तो परिजन खोजने के लिए निकल पड़े। युवती की तलाश में जब परिजन पहुंचे तो लड़की बेहोशी की हालत में पड़ी मिली। ग्रामीणों ने युवती को धोरी मन्ना के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी है। डॉक्टरों की एक टीम लगातार इलाज में जुटी है। घटना की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवार से बात की। घटना गुरुवार की है। युवती बकरी चराने घर से निकली थी। इस बीच चार लड़के एक गाड़ी से आए और गैंगरेप को अंजाम दिया। पीड़ित युवती की हालत काफी गंभीर है। युवती ने गैंगरेप की वारदात को इशारों में बयां किया। आरोपियों की तलाश के लिए चार टीमों का गठन किया गया। वहीं सबूत जुटाने के लिए घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम को भी बुलाया गया। मुगल बच्ची के साथ बलात्कार का प्रयास किया गया, तो उसको देखते हुए बच्ची से मिले और मौके की कार्रवाई के लिए एसएचओ साहब को बताया। बोर्ड से मेडिकल कराएंगे बिल्कुल चीज़ें क्लियर करने के लिए कि एग्जैक्टली क्या क्या रहा है और इंसिडेंट जो भी रहा है उसके एक्यूज जो है वो शीघ्र पकड़ में आ जाए, इसके लिए प्रयास करेंगे। युवती के मूक बधिर होने की वजह से आरोपियों की पहचान नहीं हो पा रही। पिछले दिनों राजस्थान में रेप के कई मामले सामने आए हैं। महिलाओं से रेप के मामले में राजस्थान नंबर वन स्टेट बनता जा रहा है। वहीं रेप पर अंकुश लगाने में राजस्थान सरकार पूरी तरह विफल रही। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। भंवर पुष्पेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, सीधा सवाल आपसे पूछूंगा कि गहलोत के राजस्थान में आखिर कितने हैवान पल रहे हैं और इन हैवानों को रोकने के लिए क्या सरकार कोई ठोस कदम उठा पाएगी या नहीं? देखिए, पिछले चार साल के अगर आंकड़ों की बात करें तो एनसीआरबी के आंकड़े चीख कर कहते हैं कि महिलाओं की स्थिति अपराधों को लेकर के राजस्थान में सबसे बदतर है। आप देखिए कि चाहे वो गैंगरेप के मामले हो, चाहे रेप के मामले हो, चाहे महिलाओं की प्रति हिंसा के मामले हो, राजस्थान पहले पायदान पर है। वो तब जब मुख्यमंत्री यहाँ गृह मंत्री हैं और बावजूद इसके मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि 56% मामले महिलाओं के प्रति हिंसा के झूठे होते हैं, वहां सदन में एक मंत्री ये कहते हैं कि गैंगरेप इसलिए होता है कि मर्दों का प्रदेश है, सरकार की नीयत और सरकार की नीति स्पष्ट हो जाती है और इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो पूरा प्रदेश देश के सामने शर्मसार होता है। बाड़मेर में ये घटना सामने आई जहां एक मूक बधिर बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है और आप देखिए कि अभी तक जो जिनके ऊपर आरोप है वो पकड़े नहीं गए हैं। ये अलग बात है कि एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम ने वहां पर जाकर साक्ष्य जुटाए हैं। कुछ बार बार केस हम लगातार घटना के तीन बाद भी अभी तक जो आरोपी हैं वो दूर हैं पकड़ से। तो ये सवाल जो है लगातार बना हुआ है क्योंकि ऐसी घटनाएं, चाहे अलवर में मूक बधिर बालिका का मामला हो उसमें अभी तक कोई सुराग नहीं हुआ, अभी तक कोई आरोपी नहीं पकड़े गए, और अब बाड़मेर में एक ही घटना हुई और अभी उसके भी कोई आरोपी नहीं पकड़े। मुख्यमंत्री को प्रचार भी करना है, गुजरात पर भी ध्यान देना है, इसीलिए शायद अपने राज्य में ध्यान नहीं दे पा रहे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।